नमस्कार जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, तो जो आपका अपना चैनल है। तो आज हम लव रीडिंग करेंगे जो 23 मार्च से 31 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल होने के कारण 100% रेजोनेट नहीं होती सब पर, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, और सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। तो जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ वांड्स, तो जो जेमिनाई के पर्सन है वो जेमिनाई के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो पास्ट में परेशानियां दिक्कतें आई थी वो उनको ख़त्म करके समय रहते इसमें एक एक्शन लें, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करें। अगर वो समय रहते इसमें एक्शन ले लेते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है, काफ़ी नेम और फेम ये रिश्ता कमा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में सोचें और इसको इसमें समय रहते एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, और इसके अट्रैक्शन को देखें और इस सिचुएशन को समझें और इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो देखते हैं कि इस वो उनसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समय रहते वो इसमें एक्शन लें और इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का, सही समय आने का और सही वक्त आने का इंतज़ार करें, वेट करें। क्योंकि अगर वो सही समय आने का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, तो और समय आने पर ही उसमें डिसीजन लेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों भरा हो सकता है। इस रिश्ते में प्यार हो सकता है, काफ़ी ये फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ दिलाने वाला हो सकता है। तो और वो चाहते हैं कि वो हो सकता है कि वो साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते के साथ साथ वो और स्टेबल होने के आइडियाज़ भी सोचें और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोचें और उसमें समय रहते एक्शन लें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट करें, इंतज़ार करें, और जब सही समय आ जाता है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उस पर अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो अगर जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तो ये रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। जो रिज़ल्ट, जिस रिज़ल्ट की वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वही रिज़ल्ट उनके हक में आ रहा है। ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और ये जो सोच रहे हैं वो उनके फेवर में होगा। तो जो जेमिनाई हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई महसूस कर रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने नेम, अपना फेम, अपना करियर, अपना लुक्स, अपना बिजनेस, अपना जॉब, सब कुछ अपने ऊपर सोचें, अपने अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर स्टैंड लें। और जब वो स्टेबल हो जाते हैं और एक स्टेबल हो जाते हैं तो तभी इस रिश्ते के बारे में वो सोचें। क्योंकि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल माइंडेड हो जाते हैं और एक ठहराव आ जाता है, एक स्टैंड ले लेते हैं, तो इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में अगर वो बाद में बातें करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों भरा हो सकता है। इस रिश्ते नेम घर बनना और घर बसना भी इसमें हो सकता है, तो ऐसा वो उसमें महसूस कर रहे हैं। तो वो महसूस करते हैं कि सबसे पहले वो अपने ऊपर ध्यान दें। जब वो खुद स्टेबल होंगे, जब उनकी लाइफ में एक ठहराव आएगा, वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो वो रिश्ते के बारे में सोच सकेंगे और वो तो उनको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो वो उनसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास लाइफ में दो दो ऑप्शन हैं, लेकिन वो जगलिंग के फेज में हैं, वो जगल कर रहे हैं, वो कभी इधर कभी उधर, वो कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन वो जगलिंग ना करें,
वो एक जगह स्टेबल हों और एक अपना मन बनाए, एक विचार बनाए, जो चीज़ उनको सही लग रही है, जो चीज़ उनके लिए सही है उस पर वो फोकस करें और उस पर वो काम करें। अगर उस पर फोकस रहकर उस पर एक डिसीजन लेकर वो वर्क करते हैं तो वो उनके फेवर में जा सकता है, वो उनको कामयाब कर सकता है और लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ये रिश्ता नेम और फेम कमा सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर वो इसी तरह जगलिंग करते रहे तो वो कंफ्यूजन में रह सकते हैं, दिक्कत में रह सकते हैं और इस सिचुएशन से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक मन बनाना पड़ेगा, एक विचार बनाना पड़ेगा और उस पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम क्या क्या रहेगा? तो वो चाहते हैं कि अगर जो उनको ये रिश्ता अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो जो चाह रहे हैं वो इसमें आगे बढ़े। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत इसमें परेशानी दिक्कतें आ रही है, उन बाधाओं को वो रिग्रेक्ट ना करें, उनको उनको भी ध्यान में दें, उनको भी ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, जो चीज़, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ जो छोटी मो जो नेगेटिविटी है उसके बारे में भी सोचें, ध्यान दें और इस रिश्ते को आगे लेकर बढ़ें। अगर वो सोच समझ कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो उन्हें थोड़ा सा साथ में पॉजिटिविटी के साथ जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है, जो कुछ इस रिश्ते में कुछ दिक्कत लग रही है, तो उनको भी साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी मिलती है, एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में आसानी देता है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।